Hey guys, welcome back to new vlog. आज हम बात करने वाले हैं the SIN number in Canada. कैसे आप SIN number apply कर सकते हो? What is SIN number? और आप SIN number कैसे protect कर सकते हो? And all about the SIN number. तो अभी मैं college जा रहा हूँ. पहले मैं university पहुँच के फिर आपसे बात करता हूँ. सिटी पहुंच गया हूं और हम बात कर रहे थे द सिन नंबर इन कनाडा. सो सिन नंबर होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर जो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको इशू करते हैं आपके कनाडा आने के बाद. लाइक अगर आप टेम्पररी रेसिडेंस पे आ रहे हो, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो या फिर वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो आपको सिन नंबर चाहिए. अगर आप परमानेंट रेसिडेंट पे आ रहे हो, देन ऑल्सो यू नीड अ सिन नंबर. तो बेसिकली सिन नंबर आपको अप्लाई कहाँ करना है, तो आपको आपके आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ नज़दीक में कहीं पर सर्विस कनाडा की ऑफिस होगी, तो आप गूगल पे डाल दो सर्विस कनाडा ऑफिस नियर मी और वहाँ पे चले जाओ. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट पे आ रहे हो, देन यू नीड टू कैरी योर स्टडी परमिट एज वेल एज योर वर्क परमिट और पासपोर्ट ले जाना साथ में. वो कुछ चार्ज नहीं करते, यू जस्ट नीड टू गो एंड दे विल गिव यू सिन नंबर. और अगर आप परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हो तो यू नीड योर PR कार्ड एंड आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा. देन वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, दैट यू वेट इन अ क्यू जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन डेस्क के रिसेप्शन पे आपको आपसे आपका स्टडी परमिट, वर्क परमिट या PR कार्ड मांगेंगे और आपका पासपोर्ट मांगेंगे और दे विल टेल यू टू वेट इन द वेटिंग एरिया. तो आपका नाम बुलाएंगे और यू जस्ट नीड टू गो देयर एंड दे विल आस्क सम ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, योर मदर नेम, योर फादर नेम, योर सिबलिंग्स एंड ऑल, और आपको दे देंगे. तो सिन नंबर 9 डिजिट का यूनिक कोड होता है जो सिर्फ आपके पास होता है और वो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जो आपको किसी को नहीं देनी है. लाइक अगर आपका सिन नंबर किसी के हाथ में आ गया तो दे कैन ओपन अ बैंक अकाउंट ऑफ योर नेम, दे कैन गेट क्रेडिट कार्ड, सिम कार्ड्स ले सकते हो और तो आपके पास बहुत बड़ा आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है. और आपको बहुत सारे फेक कॉल्स आएंगे जो बोलेंगे हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से हम आपको आपका सिन नंबर चाहिए, अदरवाइज योर स्टडी परमिट और वर्क परमिट और PR विल बी कैंसल्ड और आपको पैसे मांगेंगे आपसे. और बहुत लोग होते हैं जो पैसे दे देते हैं, तो ये सारे स्कैम्स में मत जाना. कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या सर्विस कैनेडा आपको कॉल नहीं करेगा आपके सिन नंबर के लिए, और अगर उनको आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो दे विल राइट अ लेटर एंड दे विल मेल टू योर एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो. तो होता है, तो आपको आपका सिन नंबर कहाँ पे देना है, तो आप अपना सिन नंबर आपके एम्प्लॉयमेंट के पास दो जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हो. आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को चाहिए तो वहाँ पे दो. आप बैंक्स को दे सकते हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस यूज़ कर रहे हो और दे रिक्वायर्ड अ सिन नंबर, तो आप वहाँ पे दे सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि येस दिस इज़ द राइट प्लेस टू गिव योर सिन नंबर. बाकी उसके अलावा कहीं पे भी अपना सिन नंबर मत बताइए. और एक चीज़, अगर आप सर्विस कनाडा जा रहे हो तो मतलब 1 या 2 बजे वहाँ पे पहुँच जाना, क्योंकि वहाँ पे रश ज़्यादा होता है और वो 4 बजे अपनी मतलब ऑफिस क्लोज कर देते हैं, सो दे विल नॉट टेक एनी अपॉइंटमेंट आफ्टर 4. अगर आप 3 बजे पहुँच गए हो और आपका नंबर 4 बजे तक नहीं आया, देन दे विल से नो, आपको आपका सिन नंबर उस दिन नहीं मिलेगा. सो ये बात का एक ध्यान रखना और प्रोटेक्ट योर सिन नंबर. सो ये था सब चीज़ें सिन नंबर के बारे में. सो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए ऑन द सिन नंबर और आपको कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस व्लॉग.
अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर ऑफ द वीडियोस कमिंग ऑन द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.